हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थिंग्स यू वांट। मैं कल बताना भूल गया था मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल के बारे में, और किसी ने मेरे को बताया भी नहीं कि मैं भूल गया हूँ। तो आज पढ़ते हैं मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो रैंकिन साइकिल है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमने TS और PV डायग्राम जो पढ़े थे उसके बेस पे समझ में आएगा आपको। जब दो स्ट्रीम वो टो पोजीशन पे आती है तो वो कुछ वर्क डन करती है, जिसमें कि उस टाइम पर जो उसका वर्क डन होता है वो बहुत ही कम होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टो पोजीशन कौन सी होती है, वो PV डायग्राम में पता चलेगी। उस वक्त क्या होता है, जो पिस्टन जो काम कर रहा है स्टीम के थ्रू वो बहुत कम वर्क डन ले पाता है, और उस पोजीशन पर आके वो जाम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर उसका जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वर्क डन कम होता है। इसलिए हमने रैंकिन साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई करा, जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन लॉस को कम कर सकें और हम पिस्टन को जाम होने से रोक सकें। हम इससे बताने के लिए ये क्या करते हैं कि जो हमारी स्टीम एक्सपेंड हो रही है टो पोजीशन से लाने से पहले ही, हम उसे अगर एक्सपेंड कर दें तो हम उसे फ्रिक्शन लॉस से होने से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल के PV डायग्राम और TS डायग्राम। इसमें आप ये देख रहे होंगे थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन पे जो पॉइंट है ये होता है टो पोजीशन। ये जो जितना भी एरिया कवर्ड है 1, 2, 3, 4 जो कवर एरिया है ये सारा है वर्क डन। यहाँ आते आते थ्री पोजीशन पे ये सारा वर्क डन कम हो गया है। वर्क डन कम होने की वजह से जब पिस्टन इस पोजीशन पे आएगा तो वो जाम हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे वर्क डन इतना कम होता है कि वो पिस्टन को वापस धक्का नहीं मार सकता, ना टरबाइन के अगर काम हो रहा है तो टरबाइन के ब्लेड्स को भी नहीं घुमा सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो ये 5 और 6 पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसी हमारी स्टीम के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसके आगे जाने के बाद वो पिस्टन को धक्का ना मार पाए, तो हम उसे पहले ही रोक कर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ही प्रेशर डाउन कर लेते हैं और अपनी प्रीवियस कंडीशन पर चली जाती है। उसके बाद वो फिर जैसी साइकिल चलती रहती है। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने इतना एरिया कट कर दिया, ऐसा ही सेम ऐसा ही TS डायग्राम में होता है। हमने बस ये जो इतना एरिया कट किया है ये हमारा फ्रिक्शन लॉस था, ये जो 5, 6, 3 है ये भी हमारा फ्रिक्शन लॉस हो। अब जो हमारी स्टीम ट्रैवल करेगी वो नए रूट पे ट्रैवल करेगी, वो है 1, 2, 5, 6 एंड 4। ऐसा ही TS डायग्राम में 1, 2, 5, 6 एंड 4 दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द थिंग्स यू वांट। मोर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन Please subscribe our channel, the things you want, and don't forget to like, comment and share.